नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु जिसको अपन कह रहे हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो आपका अरेंजमेंट है ये है व्हीटस्टोन सेतु। इसमें अपन चार प्रतिरोध ले रहे हैं, पी क्यू आर एस। व्हीटस्टोन ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये अरेंजमेंट देखा था, तो उन्हीं के नेम के बेस पर दिया हुआ है व्हीटस्टोन सेतु। तो इनके अनुसार अपन कह रहे हैं पी क्यू आर एस, चार प्रतिरोधों को चित्रानुसार इस तरीके से जोड़ा गया है कि देखो पी क्यू, ये देखो आपस में देखें तो सीरीज में है, और आर और एस आपस में सीरीज में है, लेकिन दोनों आपस में सीरीज, इनकी जो इक्वी रेजिस्टेंस आएगा पी क्यू का सीरीज का, आर एस का सीरीज का, ये दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल में जुड़े हैं, और बीच में आपके ये चार जो जंक्शन पॉइंट्स हैं उनमें दो जंक्शन पॉइंट्स हैं, तो आपके प्राथमिक परिपथ जुड़ा है जिसमें बैटरी है और कुंजी है, और बाकी के दो जो आपके जंक्शन नज़र आ रहे हैं इसमें एक गैल्वेनोमीटर है और एक सेकेंडरी की है। ये प्राइमरी की हो गई, ये सेकेंडरी की हो गई। तो इस तरीके का अरेंजमेंट अपन देख रहे हैं जिसको अपन कह रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु। अब देखो यहाँ पे अपन ये कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु में यहाँ से मान लीजिए आई करंट फ्लो होता है, ठीक है भाई, तो आई करंट यहाँ जाके हो जाएगा ब्रांच्ड, यानी हो गया आई वन और आई टू, ठीक है। और जब ये स्विच ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा या सेतु संतुलित रहेगा तो इधर आई वन ही जाएगा, अदरवाइज यहाँ अपने को बात करनी पड़ेगी आई जी की, अगर ये स्विच ऑन है, ठीक है भाई, और ऑन है तो अपन कहेंगे मान लीजिए यहाँ से करंट गया आई जी, तो आई जी यहाँ से निकल गया तो ये हुआ आई वन माइनस आई जी, ठीक है भाई। अब ये जरूरी नहीं है करंट आई जी ऐसे हो सकता है आई जी इधर से ही निकल जाए, ठीक है भाई। अगर पोटेंशियल जो है, एक मैं नाम दे देता हूँ इनको ए बी सी डी, अगर वी बी इज ग्रेटर देन वी डी है, बी का पोटेंशियल डी से ज़्यादा है तो करंट ऐसे जाएगा, और अगर डी का ज़्यादा है बी से तो ऐसे जाएगा। मैं मान के चलता हूँ कि माना कि इधर से करंट निकला, मतलब वी बी इज ग्रेट देन वी डी। अब ऐसे में प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम आई जी माइनस आ जाता है तो हम ये मान लेंगे कि भाई हमने जो माना है वो नहीं, डायरेक्शन ये वाली होगी, ठीक है भाई। और सेतु संतुलन की कंडीशन में आई जी क्या होगा, जीरो होगा, ये भी थोड़ा अभी अपन बताएंगे। तो ये मान लिया अपन ने इधर से, और इधर आपने ये आई टू बात करा, तो आई टू में आई जी एड हो गया इधर से एक तरह से, तो आई टू प्लस आई जी। अब माइनस आई जी ये कट कटा के आई वन प्लस आई टू वापस आपका आई आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने सर्किट मैनेज कर लिया है। अब व्हीटस्टोन सेतु की बनावट बताएं क्या है, तो बनावट में मैंने कह दिया चार प्रतिरोध चित्रानुसार जुड़े हुए हैं, एक गैल्वेनोमीटर और एक सेकेंडरी की इसमें बी और डी के बीच में जुड़ी हुई है, और ए और सी के बीच में एक बैटरी और एक कुंजी जुड़ी हुई है। तो ये तो इसकी हुई बनावट। व्हीटस्टोन सेतु क्या है, क्या बनावट है इसकी, समझ में आ गया होगा। अब अपन इसमें सेतु संतुलन की स्थिति देखते हैं। देखो सेतु संतुलन की स्थिति से पहले मैं यहाँ बता दूँ, यहाँ पे तीन केस हो सकते हैं। तीन केस कैसे, जैसे यहाँ से करंट आई वन आई टू ब्रांच हो गया, लेकिन यहाँ आते ही सिस्टम ये है कि तीन संभावनाएँ बनती है। देखो कौन कौन से तीन संभावनाएँ बनती है, तीन केस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ जो हो सकते हैं यहाँ पे केसेज। ये फर्स्ट हो गया और ये हो जाता है आपके सेकंड और ये थर्ड, ठीक है भाई। तो क्या क्या स्थितियाँ होनी है, या तो हो सकता है वी बी इज ग्रेटर देन वी डी, या हो सकता है वी बी इक्वल टू वी डी, और या हो सकता है वी बी इज लेस देन वी डी। देखें ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें अपन कहते हैं इस तरीके से एक सुई है, ठीक है भाई, ये सुई और ये गैल्वेनोमीटर। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये कहा कि भाई इधर धारा प्रवाहित है, तो गैल्वेनोमीटर की सुई एक साइड दाई ओर मान लो विक्षेप दे रही है, या उधर होगी तो बाई ओर विक्षेप देगी, और बराबर होगा तो कहीं विक्षेप नहीं, शून्य विक्षेप होगा। तो मैं गैल्वेनोमीटर की स्थिति बता देता हूँ यहाँ पर। तो ऐसे में जैसे गैल्वेनोमीटर में मान लो मैंने ये कह दिया कि भाई इस तरीके से है, तो इसका मतलब दाई ओर विक्षेप आ गया मान लो, ठीक है भाई, ये गैल्वेनोमीटर। इस कंडीशन में अपन कहेंगे गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, शून्य विक्षेप बताएगा, और इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर में विपरीत दिशा में दाईं ओर का बाईं ओर विक्षेप बता देगा। आ रहा होगा ध्यान में, यानी ये चीज़ डिपेंड करती है वी बी और वी डी पे, इनकी वैल्यूज़ क्या है, बराबर हैं कम ज़्यादा हैं, उस बेस पे। जैसे हमने ये आई जी बताया तो हमने इस केस के अकॉर्डिंग बताया कि भाई आई जी नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है जब आप के टू को ऑन करते हो। तो ये केसेज कब है, व्हेन के टू इज क्लोज, जब के टू को ऑन किया जाए या कुंजी की डॉट लगाई जाए, जब के टू को ऑन किया जाता है या इसकी डॉट लगाई जाती है। फिलहाल मैंने इंस्टेंट के लिए तो डॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इसको प्रेस किया जाता है। तो अपन के जब के टू को ऑन किया जाता है, दबाया जाता है, तो तीन स्थितियाँ संभव है, ये तीन जैसे आपको नज़र आ रही है। तो इसमें सेतु संतुलन की स्थिति ये वाली है, ये क्या है, सेतु संतुलन की स्थिति
कहलाएगी, ब्रिज बैलेंस है ये। क्या है ये? सेतु संतुलन की स्थिति जिसमें न तो बी से डी धारा प्रवाहित होगी न डी से बी। जैसे इस कंडीशन में मैंने कहा तो धारा प्रवाहित हो रही है बी टू डी, आई जी फ्लो होता है बी टू डी। इस कंडीशन में आई जी विल बी ज़ीरो, किधर भी फ्लो नहीं हो, और इस कंडीशन में आई जी गारंटर वाली धारा डी टू बी फ्लो होगी। ठीक है भाई, तो ये अपन ने पर्टिकुलरली तीन केसेस डिस्क्राइब कर दिए हैं कि ऐसा हो सकता है जिसमें सेतु संतुलन की स्थिति ये है। तो समझ में आ गई होगी सेतु संतुलन क्या है। सेतु संतुलन तब होगा जब बी और डी का पोटेंशियल इक्वल हो, या मैं कहूँ जब आप की को प्रेस करते हैं तो गैल्वेनोमीटर क्या दर्शाए, जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाता हो, जीरो डिफ्लेक्शन। इनमें कहें तो राइट या लेफ्ट, ठीक है भाई, डिफ्लेक्शन आ रहा है दाईं ओर या बाईं ओर, नॉन जीरो है तो अपन कहते हैं सेतु संतुलित नहीं है, लेकिन अगर जीरो डिफ्लेक्शन है तो सेतु संतुलित है। यानी व्हीटस्टोन सेतु में जब आप के टू को ऑन करते हैं तो गैल्वेनोमीटर शून्य विक्षेप दर्शाता है, तो हम कह सकते हैं सेतु संतुलन की स्थिति है, और ये तभी संभव है जब वी बी इज इक्वल देन वी डी या आई जी इक्वल्स जीरो, आई जी इक्वल्स जीरो, वी बी इक्वल टू वी डी एंड जीरो डिफ्लेक्शन, तो अपन क्या कहेंगे, सेतु संतुलन की स्थिति बताएंगे। सबको समझ में आ रहा होगा तीनों पर्टिकुलर केस क्या है और सेतु संतुलन का केस क्या है। अब अपन लेके चलते हैं सेतु संतुलन वाले केस को, ब्रिज जब बैलेंस है तब अपन क्या कहते हैं, लेट्स सी अबाउट इट। तो भाई सेतु संतुलन की स्थिति, सेतु संतुलन के लिए क्या कहा हमने, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दर्शाएगा, मींस वी बी इज इक्वल टू वी डी। अब वी बी इक्वल टू वी डी में क्या होगा, हम यहाँ पे सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्त निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, सेतु संतुलन के लिए कंडीशन निकाल रहे हैं कि पी क्यू आर एस में क्या स्थिति होगी जब ऐसा होगा। तो सेतु संतुलन के लिए आवश्यक शर्त कैसे ज्ञात की जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे VB equals VD के लिए मैं दो पार्टीशन कर देता हूँ। इसका मतलब देखो, VB equals VD का मतलब या तो अपन कहें VB minus VA और VD minus VA, और इधर VC minus VB और VC minus VD बराबर हो, ठीक है भाई। तो इधर मैंने कह दिया I1 और प्रतिरोध कितना है P, और इधर कह दिया तो I2 और, एक सेकंड पहले अपन पोटेंशियल बता देते हैं। VB का मतलब हो सकता है VB minus VA बराबर इधर VD, तो VD माइनस VA। इधर बात करें तो VC माइनस VB बराबर VC माइनस, और इधर VC माइनस VD कह दो, तो ये हो जाता है आपके VB बराबर VD। इधर कह दिया VB माइनस VA, और इधर कह दिया VD माइनस VA, इधर कह दिया VC माइनस VD, VC माइनस VB बराबर। देखो देखे क्या है, ओम्स का नियम है V बराबर IR, तो यहाँ कहेंगे P इंटू आई वन बराबर R इंटू आई टू, और इधर कहेंगे अभी मैं सेतु संतुलन की स्थिति इसलिए IG को जीरो लेके चल रहा हूँ, तो आई जी मैंने जीरो कर दी, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो केवल क्या आएगा आई वन आई टू ही कहेंगे। तो इधर कह देंगे आप क्यू इंटू आई वन बराबर एस इंटू आई टू, ठीक है। अब यहाँ से मैं निकाल देता हूँ आई वन बाई आई टू इक्वल्स, तो आई वन बाई आई टू क्या, या सीधा सीधा डिवाइड ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही बात है। जैसे मान लो मैंने इसको दे दिया समीकरण एक, इसको दे दिया समीकरण दो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक में दो का भाग देता हूँ, एक में, या वो आई वन आई टू जैसे अपन अपॉन किया था वैसे भी अरेंज कर सकते हो, भाग डिवाइड कर दिया, तो पी आई वन अपॉन क्यू आई वन बराबर आर आई टू अपॉन एस आई टू, हो गए भी कैंसिल, तो क्या आया, आ गया आपने P by Q is equals R by S।
तो ये कंडीशन आ रही है, ये है सेतु संतुलन की आवश्यक शर्त। सेतु संतुलन के लिए क्या आवश्यक है, क्या इसकी कंडीशन है? तो हमने कहा भी सेतु संतुलित तभी माना जाएगा जब P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन S हो, यानी ये रेशियो देख लो, P बाई क्यू इज इक्वल्स R बाई S या P बाई R इज इक्वल्स Q बाई S, जैसे आपने कह दिया P बाई R और Q बाई S, ऐसा भी कह सकते हैं, या P बाई R इज इक्वल्स Q बाई S, ये भी ली जा सकती है दोनों में से कोई भी, P बाई क्यू इजिकल्स आर बाई एस या P बाई आर इजिकल्स क्यू बाई एस, इस तरीके से और भी फॉर्मेट निकल सकते हैं। तो ये होता है अपने व्हीटस्टोन सेतु, और सेतु संतुलित कैसे किया जाता है, क्या उसकी कंडीशन है। इसी चीज़ को आप किरचॉफ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं, यही डेरिवेशन अपन किससे कर सकते हैं, किरचॉफ के नियम से भी कर सकते हैं, बस यहाँ लाइन चेंज होगी, बाकी वो का वो सिस्टम रहेगा। मैं देखो आपको बता देता हूँ किरचॉफ के नियम से कैसे करने वाले हैं हम इसको, यहाँ लाइन चेंज होगी, बाकी का आपका काम बिल्कुल सेम रहेगा। देखो किरचॉफ के नियम से या केवीएल से, क्या कहेंगे केवीएल से, लूप सेलेक्ट करने पड़ेंगे, एक अपने ये लूप सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट और एक ये सेलेक्ट कर लिया, इसमें मान लो मैंने डायरेक्शन दे दी ये वाली, कोई भी दे सकते हैं, और ये दे दी सपोज दैट, ठीक है। अब देखो देखें केवीएल से लूप फर्स्ट में इन लूप वन, तो क्या कहेंगे कोई बैटरी नहीं है इसमें, नो बैटरी, तो इसका मतलब जीरो ईएमएफ का योग। फिर अब देखो आप आई वन पी ऐसे हो रही है इसके अकॉर्डिंग, बट इसके अकॉर्डिंग आई टू क्या पड़ रही है, माइनस। देखो क्रम अपना ये है, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, तो अपन कहेंगे आई वन पी माइनस आई टू आर, ठीक है। इधर लूप सेकंड की बात कर लें, फॉर लूप टू केवीएल से अगेन, तो लूप टू के लिए भी वही है जीरो, इसमें भी कोई बैटरी नहीं है, ठीक है भाई। इसका अपने सीक्वेंस ये देखा है, तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ये तो पढ़ रहा है प्लस में और ये पढ़ रहा है माइनस में। देखो आपका सीक्वेंस क्या है, ऐसे है तो ऐसे है, तो ये तो पड़ गया प्लस में और ये पड़ गया माइनस में, विपरीत है इसलिए। तो क्यू इंटू आई वन, आई जी तो जीरो ही है सेतु संतुलन के लिए, और माइनस आपका आई टू इंटू एस, ठीक है। अब इसको वापस आपने अरेंज कर लिया कि आई वन पी इक्वल टू आई टू आर, वो सेम बात है ये वाली, ठीक है भाई। ये रहा पी आई वन या आई वन पी कह दो, और आर आई टू, ये रहा आर आई टू, बराबर ही आ रहा है, सीधा स्टेप है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, पक्षांतरित कर दिया इसको। तो इसको आपने क्या लिखा, आई वन सॉरी आई वन पी इक्वल्स आई टू आर, और इधर क्या लिख दिया आपने क्यू आई वन इक्वल्स आई टू एस, वो जो भी है रीअरेंज होकर यही चीज़ आनी है वापस, ये का ये आएगा सेतु संतुलन की शर्त से। तो इस बार अपन ने ये चीज़ किससे कर ली, केवीएल से कर ली। तो किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से भी आप ब्रिज बैलेंस की कंडीशन निकाल सकते हैं कि ब्रिज बैलेंस कब होगा, व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होगा। तो हमने कहा आई जी जीरो होना चाहिए, और आई जी जीरो के हिसाब से हमने जब डेरिवेशन किया तो हमारे पास आया पी बाई क्यू इजिकल्स आर बाई एस, दैट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस, जो अपन कह रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु का बैलेंस के लिए अपन कह रहे हैं पी बाई क्यू इजिकल्स आर बाई एस। तो ये अपने होता है व्हीटस्टोन सेतु और व्हीटस्टोन सेतु संतुलन। अब ये व्हीटस्टोन सेतु का यूज क्या है, तो हम आगे आपको बताएंगे मीटर ब्रिज, क्या बताएंगे मीटर ब्रिज यानी मीटर सेतु, इससे आप अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करोगे। तो ये टेक्निक किसके लिए काम आ रही है, अज्ञात प्रतिरोध के लिए। सपोज दैट एस अज्ञात है इसमें, एस क्या है अज्ञात है, मान लिया एस अपने अज्ञात है, और हमने यहाँ पे सेतु संतुलन देख लिया, दबाया सेतु क्या है संतुलित है, तो एस अज्ञात इससे ज्ञात हो जाएगा सीधा सीधा। देखो एस अनन क्या आएगा, एस इज इक्वल्स, देखो यहाँ से ऊपर क्या चल रहा था अपने पी बाई क्यू इज इक्वल्स आर बाई एस, तो एस क्या आएगा भाई, एस आएगा आपके, एस को इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो आर बाई पी इंटू क्यू, एस को उधर ले लिया, तो S और R बाई पी इंटू क्यू, यहाँ से देख लो या यहाँ से देख लो, कोई सा भी ले सकते हो आप,
एस को इधर ले लिया, इसको पूरे को इसके बटे में ले लिया, क्यू इसके गुणा में आ गया, तो आर बाई पी इंटू क्यू। तो अगर आपको तीन प्रतिरोध ज्ञात हैं, तीन प्रतिरोध ज्ञात है और एक अज्ञात है और ब्रिज बैलेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु संतुलन द्वारा तीन ज्ञात प्रतिरोध और एक अज्ञात प्रतिरोध की कंडीशन में अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। यही सिद्धांत किसका है, मीटर सेतु का। आगे अपन पढ़ेंगे एक डिवाइस मीटर सेतु, जो अपने प्रैक्टिकल में भी है और थ्योरी में भी है। तो अपन देखेंगे कि मीटर सेतु से अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट इट। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति जिससे अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है मीटर सेतु। तो क्या ले रहे हैं अपन, मीटर ब्रिज, मीटर सेतु। देखो नाम है मीटर सेतु, क्यों कहते हैं इसको मीटर सेतु, क्योंकि देखो मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का एलॉय है, ये मिश्र धातु है, का तार काम में लिया जाता है, एक मीटर लंबा। और सेतु इसलिए क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर कार्य करने वाली ऐसी युक्ति जिसमें एक मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन, एलॉय है, मिश्र धातु है, से बना प्रतिरोध तार प्रयुक्त किया जाए या किया जाता है, मीटर सेतु कहलाती है। और इसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाएगा या किया जा सकता है। ये है आपका मीटर सेतु। तो मीटर सेतु क्या है, एक ऐसी डिवाइस जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पे कार्य करे, प्लस इसमें एक मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार प्रयुक्त होता है, और इसका उद्देश्य है अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना। बनावट मैं आपको इसकी बता देता हूं कैसे है। एक लकड़ी का बोर्ड है, जिसकी लंबाई एक मीटर से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें एक मीटर लंबा तो वायर ही काम आ जाता है। इस तरीके से इसमें कॉपर की एल शेप की पत्तियां होती है, एल आकार की, ये एक सीधी पत्ती है आई शेप की, ये वापस एक एल आकार की, जैसा उधर था वैसा ही एक पत्तियाँ हो गई, और यहाँ पे हो जाते हैं पेच, संयोजक पेच, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ, ये है संयोजक पेच, जहाँ से आप कोई सर्किट कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे अपना एक मीटर लंबा तार है, एक मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन वायर, और यहाँ पे इसकी लेंथ नापने के लिए एक स्केल रहेगी, ठीक है भाई। तो स्केल में यहाँ जीरो है, यहाँ 100 सेमी है, ठीक है ना। ये स्केल वैसे दोनों तरफ होती है, मतलब स्केल बोथ साइड है, आप दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ 100 लिखा है, तो स्केल यहाँ से एक, जैसे 100 लिखा हुआ, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ, डबल स्केल है, इस तरीके से स्केल इसमें यूज हो जाएगी, ठीक है भाई। और ये है कॉपर की मोटी पत्तियां, एक दो तीन पत्ती कसी होगी, कॉन्स्टेंटन का वायर है, लकड़ी का बोर्ड है,
ये इसकी बनावट है। अब इसमें अपन कहते हैं कि यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है स्पेस, यहाँ पे अपन जोड़ते हैं ज्ञात प्रतिरोध। ज्ञात प्रतिरोध के लिए हम ले लेते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या है ये? प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स। और यहाँ पे होगा अज्ञात प्रतिरोध, ये है आपके अज्ञात प्रतिरोध एस, या यहाँ मैंने कह दिया एस अज्ञात प्रतिरोध है ये। और यहाँ से अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर जुड़ा होगा, ये जो पॉइंट है यहाँ से जुड़ा है एक गैल्वेनोमीटर और यहाँ से है एक जोकी, ये हो गई जोकी, जोकी एक स्टिक है मेटल की जो वायर से कनेक्ट करके आगे से धार होती है ताकि अपन एग्जैक्ट पॉइंट यहाँ पे बता सके कि कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे स्केल सेंटीमीटर में, तो कितने सेंटीमीटर की लेंथ अपने को मिल रही है। अगर मान लीजिए सेतु संतुलन यहाँ पे इस सी पॉइंट पे मिल रहा है तो ये लंबाई एल और ये हो जाएगी 100 - L, ठीक है भाई। तो ये हुई मीटर सेतु की बनावट। अब इसको कैसे अपन यूज करते हैं, कैसे इससे अपन, अच्छा एक सर्किट और जोड़ना था ना अपने को, यहाँ से बैटरी जोड़नी है अपने को, वे ये की हो गई इसकी, ये अपन ने इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया है। अब ये जो वायर आपको नज़र आ रहा है इसके दो पार्टीशन हो जाते हैं जब आप जोकी टच करते हो, तो एक एल लंबाई का तार और एक 100 - L लंबाई का तार, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कितने प्रतिरोध आपको नज़र आ रहे हैं, देखो चार प्रतिरोध हो गए, L वाला प्रतिरोध 100 - L वाला प्रतिरोध दो हो गए, और दो ये ऊपर रेजिस्टेंस बॉक्स और S, और बीच में आपको गैल्वेनोमीटर जो कि मतलब ये पूरी तरीके से व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही है। देखो कैसे, इधर चलो उधर अपन कंपेयर कर देते हैं इसको, किसके जैसा है ये, व्हीटस्टोन सेतु जैसा ही है। तो यहाँ पे तो हो गया आपका रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला गया प्रतिरोध ये वाला RB, ये आपका अज्ञात प्रतिरोध S हो जाता है। फिर यहाँ से अपन कहें देखो ये वाला पॉइंट पूरा एक ही है तीनों, यहाँ से L लंबाई वाला प्रतिरोध आ जाता है, सीधा सीधा L लंबाई का प्रतिरोध, और ये हो जाता है आपके 100 - L वाला प्रतिरोध, ठीक है भाई। और यहाँ से देखो आप ये बीच का पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है, तो यहाँ पर आपके गैल्वेनोमीटर जुड़ा है और यहाँ से होके एक जोकी जुड़ी हुई है, ये जोकी ये रही जो आपके सेकेंडरी की जैसे हो जाती है, और यहीं से आपके बैटरी जुड़ रखी है, ये देखें आप ये बैटरी हो गया और एक की हो गई जो हमने यहाँ जोड़ी थी, तो बिल्कुल सिमिलर है व्हीटस्टोन जैसा ही है, जैसे अपने व्हीटस्टोन सेतु कहा था बिल्कुल वैसा का वैसा ये है। अब यहाँ पे ये जो L लंबाई का तार है, या अपन कहते हैं यहाँ पे 100 - L लंबाई का तार है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा, मान लीजिए इसकी एकांक लंबाई का प्रतिरोध कोई भी सिग्मा या कुछ भी आप मान लो, मान लीजिए तार की एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार का एकांक लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा लें तो अपन कहेंगे ये हो जाएगा L सिग्मा, ये हो जाएगा 100 - L सिग्मा, ये रेजिस्टेंस कितना L सिग्मा और ये 100 - L सिग्मा, गुणा में हो जाएगा इसका L इंटू सिग्मा, ये रेजिस्टेंस हो जाते हैं। अब व्हीटस्टोन सेतु संतुलन से देखो आप करना क्या है, आपको ये सर्किट कनेक्ट करना है, अज्ञात प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, जो कि ये आपका मीटर बीच का अरेंजमेंट, ये स्केल हो गई, और नीचे आपने प्राइमरी सर्किट बैटरी और की वाई जोड़ लिया है। इसके बाद मैं ये कह रहा हूँ इसमें आपको यहाँ पे संतुलन बिंदु लाना है, संतुलन बिंदु के लिए अपन क्या करेंगे, जोकी को अलग अलग पॉइंट पे टच कराएंगे, और टच कराते हुए हम ये देखेंगे कि जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में जीरो आ रहा है वहाँ पे अपन इसको रोक के ये लंबाई स्केल से नाप लेंगे कि भाई एल लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, बाकी 100 - L तो हो ही जाएगा, नीचे वाली स्केल पढ़ लो 100 - L पढ़ लिया जाएगा। तो ये L नोट कर ली, 100 - L नोट कर ली। अब सेतु संतुलन से सिग्मा ले तो सेतु संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत से क्या कहोगे, हम ये कहेंगे देखो सेतु संतुलन के लिए अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे सेतु संतुलन कंडीशन है, RB से निकाला गया प्रतिरोध, ये मैं R मान लेता हूँ, इससे कितना प्रतिरोध निकाला गया है
आर प्रतिरोध चुना गया, यानी रेजिस्टेंस बॉक्स से मैंने प्रतिरोध लिया आर, तो अपन कह देंगे आर बाई एस इज इक्वल्स आर बाई एस इक्वल टू एल अपॉन 100 माइनस एल। अभी पीछे निकाला था अपन ने आर बाई एस अपॉन एल अपॉन 100 माइनस एल, सिग्मा कट जाएगा, दोनों के गुणा में सिग्मा है, ये तो अपने माना था एकांक लंबाई का प्रतिरोध, ये वैसे ही कट जाएगा। अब s अज्ञात है, इसको वापस लिख लो s बाई आर इज इक्वल्स 100 माइनस एल बाई एल। ओके, अब मुझे s चाहिए तो मैं कह दूंगा अज्ञात प्रतिरोध है 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। ये फाइनली अपने पास फॉर्मूला आ जाता है। तो अज्ञात प्रतिरोध का क्या सूत्र हो गया 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर। तो आपको क्या करना है, लंबाई नोट करनी है एल, 100 माइनस एल नोट कर लेनी है या ज्ञात कर लेनी 100 में से घटा करके, और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कितना प्रतिरोध चुना है वो हो गया आर। तो 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर, ये करते ही आपके पास क्या आ जाएगा अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा। प्रोसेस क्या है वापस समझ लो, सबसे पहले जैसा मैंने परिपथ चित्र बनाया है वैसे अपन मीटर सेतु में परिपथ जोड़ देंगे, उसके बाद अपन क्या करेंगे जोकी को, ये जो पॉइंट है इसको मैं ए बी कह देता हूँ कोई, तो इस ए बी जो तार है आपका इसमें मैं अलग अलग पॉइंट पे टच कराऊंगा। आप देखोगे एक साइड आपको लेफ्ट और एक साइड आपको राइट डिफ्लेक्शन मिलेगा, बीच में कहीं मैं ढूंढूंगा तो अलग अलग पॉइंट पे मिलाते हुए मेरे को जीरो डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर देखने को मिलेगा। जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है उसको मैं संतुलन बिंदु मान करके लंबाई एल स्केल से नोट कर लूँगा, फिर 100 माइनस एल या तो 100 में से घटा दो या नीचे वाली स्केल पढ़ लो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एल आपके कोई 60 सेमी आई, ठीक है भाई, तो इधर से 40 आएगा ना, तो नीचे वाली स्केल 100 माइनस एल दे देगी। अब आपको ये फॉर्मूला लगा देना है कि 100 माइनस एल बाई एल और रेजिस्टेंस बॉक्स से आपने कितना प्रतिरोध निकाला था, ये आपको शुरू में ही कर लेना है। रेजिस्टेंस बॉक्स से प्रतिरोध पहले से ही एक चुन लेना है, क्योंकि अगर आप नहीं चुनेंगे तो आपको सेतु संतुलन की स्थिति नहीं मिलेगी। तो पहला काम यही है, आप जैसे ही ये की ऑन करते हो यहाँ से एक प्रतिरोध जरूर चुन लें। एक प्रतिरोध आपने मान लो चुन लिया आर, तो उसको अपन यहाँ वैल्यूएशन में यूज कर लेंगे। तो एक रीडिंग अपने पास आ जाती है ऐसी कि 100 माइनस एल बाई एल इंटू आर अज्ञात प्रतिरोध निकल गया। इसके बाद में अपने को अगली रीडिंग लेनी है, फिर अगली, ऐसे कम से कम आप 3 या 5 रीडिंग ले लेते हो, फिर उनका औसत निकाल लेते हो, तो अपने पास अज्ञात प्रतिरोध एग्जैक्टली मिल जाता है। एक इसमें आप ध्यान रखें, कभी भी जोकी को इसके ऊपर स्लाइड या खिसकाएं नहीं, मतलब रगड़े नहीं, क्यों, रगड़ने से इस तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जो है वो परिवर्तित हो जाता है, और ऐसा होने से आपको जो रिजल्ट फाइनली मिल रहा है वो गलत मिलेगा। ठीक है भाई, तो अपने को ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है, कनेक्शन वगैरह सब ठीक से होने चाहिए। ये सारी बातें हम आपको प्रैक्टिकल में समझाएंगे, क्योंकि ये अपने प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। तो प्रैक्टिकल में अपन रिलेटेड प्रिकॉशंस की भी बात करेंगे, और इनमें क्या क्या अपने को सर्किट कनेक्शन में ध्यान रखना है वो सारी बातें नोटिफाई करवाएंगे। तो ये होता है कंप्लीट अपने मीटर सेतु जो व्हीटस्टोन सेतु सिद्धांत पर आधारित है।